हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टिक ग्राफिक्स। और सबसे पहले आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने हमारी रील को इतना प्यार दिया और हमें इतना सपोर्ट किया कि हमारी रील कपिल शर्मा सर तक पहुंच गई है और उनकी फैमिली ने भी देख लिया है और सबको बहुत पसंद आई है, सब बहुत खुश है। एंड आपकी दूसरी डिमांड थी कि आपको ट्यूटोरियल चाहिए था वीडियो का, तो हम ले आए हैं ट्यूटोरियल इस वीडियो का। आप देखिए और पूरा प्रोसेस देखिए, पूरा प्रोसेस डिटेल में दिखाया गया है कि हमने कैसे एडिट किया है ये फोटो। आप देखिए और इंजॉय कीजिए। एंड जो भी प्रॉब्लम लगे आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल में और ज़्यादा सॉल्व प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे और उसको और ज़्यादा बेटर बनाएंगे। थैंक यू एंड प्लीज कमेंट डाउन। सो लेट्स रोल आउट द इंट्रो। तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हमने फोटोशॉप ओपन किया हुआ है। अपना जो हमें ओरिजिनल इमेज है, हमने जिस पे काम करना है वो हमने ओपन की हुई है। हम इसमें अपना सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्ट ऑप्शन पे जाके उसमें सब्जेक्ट पे क्लिक करके हम सिलेक्शन कर लेंगे। एंड देन उसको क्लियरली सारी बाउंड्रीज को सिलेक्ट कर लेंगे अच्छे से लासो टूल से। क्लियरली देखते रहेंगे कि कुछ भी हमारा छूटे ना और कुछ भी एक्स्ट्रा ना आए, बिकॉज ये कटिंग ही इम्पोर्टेंट है। जो सारी प्रोसेस होगी आगे इस कटिंग के बाद ही होगी। तो गाइज, हमारी ये सिलेक्शन पूरा हो चुका है, हमने कट कर लिया है। अब हम न्यू प्रोजेक्ट लाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट में इसको मूव करेंगे। एंड ये न्यू प्रोजेक्ट अच्छे साइज का है इसलिए हमने इसको मूव किया है। आप देख सकते हैं कि कितना छोटा हो गया है। ये पिक एक्चुअली गूगल से लिया हुआ है तो इसलिए काफ़ी ब्लर इमेज है, क्लियर इमेज नहीं मिली थी। अब चलते हैं अपने गूगल पे और जो हमें इसमें ऐड करना है उनकी फ़ोटोज़ निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना मॉडल की फ़ोटो निकालेंगे। मॉडल काफ़ी ढूंढना पड़ता है बिकॉज मॉडल की बॉडी भी मैच करनी चाहिए। देन हमने फाइंड कर लिया, डाउनलोड कर लिया है। अब हम सोफा की फोटो निकालेंगे जो सोफा मैच कर रहा होगा। अब हमने सोफे की इमेज को फोटोशॉप में ओपन कर लिया है एंड हम इसको अब सेट करेंगे इसकी कलर ग्रेडिंग वगैरह करके। इसका अब सबसे पहले साइज सेट कर लेते हैं। अब इसकी कलर ग्रेडिंग करेंगे जिससे कि ये फोटो वाले सोफा से मैच करे कलर। आप देख सकते हैं अब हम इसमें अपने मॉडल को ऐड करेंगे। ये हमने मॉडल डाउनलोड किया है गूगल से ढूंढ के। इधर से हम कपिल सर के फादर की बॉडी बनाएंगे। उनकी मदर ने भी ग्रीन पहना है तो हमने इसलिए ग्रीन कुर्ता सूट किया है एंड थोड़ा मिडल एज बॉय। इसको भी कट कर लेते हैं एंड ये हमारा आ गया है ओरिजिनल पीएसजी में अपने। इसको फ्लिप करके सेट करेंगे अब जिस तरीके से हमें लगाना है। आप देख सकते हैं हमें थोड़ा ज्यादा आगे को लग रहा है और कपिल की मदर जो है वो थोड़ी काफी पीछे को बैठी है तो हमें इसको भी थोड़ा पीछे को लगाना पड़ेगा। तो अभी इसको एडजस्ट करते हैं, थोड़ा बेटर लग रहा है। फेस हटा देंगे क्योंकि हमें कपिल सर का फेस, कपिल सर के फादर का फेस लगाना है यहाँ पे। अब हमने जो मेन पिक्चर थी हमने उसको मास्क कर लिया है। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे बिकॉज हमें एक्स्ट्रा बॉडी नहीं दिखानी है फादर की। जो वो फादर की जो बॉडी है वो हाइडिंग दिखानी है कपिल सर की मदर के पीछे और डॉटर के पीछे। और एडजस्ट कर लेते हैं बॉडी को। नाउ इट्स परफेक्ट। थोड़ा एजेस शार्प कर लेते हैं। यस, अब सोफा को सेट करेंगे। ये सोफा पूरा एक लगना चाहिए कि एक बड़ा सोफा है ना कि एक चेयर लगनी चाहिए, तो सोफा को लगा लेते हैं। इसको भी हम क्लिपिंग मास्क पे जाके हम ड्रॉ करेंगे।
आप देख सकते हैं, आप दोनों सोफा में डिफरेंस है, आप दोनों सोफा के हैंड्स देख सकते हैं कि दोनों डिफरेंस लग रहे हैं। तो हम जो मदर की साइड वाला सोफा है, हम उधर से कट करके एंड न्यू बनाएंगे। पहले हम शेडोज वगैरह बना लेते हैं। ये हैंड हाइड हो जाएगा कंटेंट अवेयर से, काफी अच्छा फीचर है, काफी अच्छा। अब हम फादर के एजेस फाइन कर लेंगे एंड देन शेडो बनाएंगे, जिससे कि इनकी शेडो सोफा पे दिखे। इरेजर टूल से हम इरेज कर रहे हैं एंड एजेस फाइन कर लेंगे। स्मच टूल से इनको थोड़ा सॉफ्ट बना दिया है एजेस को। अब हम इनकी शेडो बनाएंगे। ब्लर ओवरले थोड़ा बेटर लाइट, यस, थोड़ा हैंड्स एंड हिप्स के साइड से थोड़ी डार्क लाइट आ रही है। आप मदर की साइड देखिए, कंपैरिजन कर सकते हैं कि जिधर बैठे हैं उधर डार्क साइड आ रही है, तो हमें डार्क बनानी पड़ेगी एंड दोनों साइड से सेम बनाएंगे। आप देखिए फिर इधर भी लाइट आएगी। इनका भी ग्रीन कुर्ता इसलिए लिया है कि इधर लाइट दिखाई दे सोफे पे एंड दोनों के हैंडल सेम दिखाई दे, सोफा पूरा एक दिखाई दे। हम सोफे को ड्रॉ कर लेंगे। को ऐसी रहने देते हैं। यस, हम देखिए काफी हद तक सही लग रहा है, मैचिंग लग रहा है। हम बीच में से सही कर लेते हैं, जो जॉइंट आएगा अपने सोफे का वो स्ट्रेट कर लेते हैं, जिससे कि ये पूरा एक सोफा दिखाई दे। रैप टूल का यूज किया गया है। थोड़ा बेटर लग रहा है। अब इसको हम फादर की बॉडी को और कलर कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर करेक्शन कर लेते हैं, कलर ग्रेडिंग कर देंगे इसमें, जो थोड़ा बेटर लुक आए कि ओरिजिनल पिक्चर जैसा लगे। कि ओरिजिनल पिक्चर में जैसे आप मदर के क्लोन देख सकते हैं कि थोड़े शाइनी और ब्राइट हैं, ऐसे ही करेंगे। इधर से थोड़ा इशू लग रहा है, इसको सही करते हैं। इसको फिल टूल से सही हो जाएगा, फिल कर लेते हैं इसको कंटेंट अवेयर फिल से, एंड ये फिल हो चुका है। इसको थोड़ा सा और बेटर बना देते हैं। यस, नाउ इट्स लुकिंग गुड, परफेक्ट सोफा। अब हम कपिल सर के फादर का फेस ऐड करेंगे। सब्जेक्ट सिलेक्शन से सेम सिलेक्शन कर लिया एंड नाउ अब इसको हम मूव करेंगे अपने ओरिजिनल PSD में, परफेक्टली कट करके। नाउ उसको फेस को बॉडी पे सेट करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट के जो हमें फेस ऐड करना होता है वो बॉडी पे सूट नहीं करता, तो इसको काफी मैच कराना पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बी को थोड़ा ओपेसिटी कम करके इरेज कर दिया गया है, जिससे कि नेक के एंड जो हमारी पिक है दोनों के बीच में ओरिजिनल बैलेंस लगे। एंड नाउ हम उसको स्किन कलर बनाएंगे, फेस को मैच करेंगे, बिल्कुल फेस का स्किन कलर बनाएंगे। अभी फेस बहुत डल लग रहा था एंड वाइट वाइट ज्यादा लग रहा था, तो वो अलग फोटो से अलग मैच नहीं कर रहा था। अब हम इसको फोटो से मैच करना है, तो स्किन कलर का बनाना पड़ेगा, तो हम स्किन कलर बनाएंगे।
अभी इनके लिप्स का कलर लगा देते हैं। एंड अभी भी फेस थोड़ा मैच नहीं करता है, फेस को भी अभी थोड़ा रिकलर कंपेयर करना पड़ेगा इसके ऊपर भी थोड़ा कुछ, लेट्स सी। थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। अगेन हम थोड़ा बना देते हैं इसको स्किन कलर जहां जहां से लाइट लग रहा है। आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट और काफी रियलिस्टिक लुक दे रहा है अभी भी। हम इन सबको मर्ज कर देते हैं एंड अभी देखिए आप साइड में से जो शेडोज वगैरह आ गई हैं, हम इन सबको भी रेज करेंगे कभी, थोड़ा काफी कलर एडजस्ट वगैरह कर लेते हैं। हम देखिए सेम स्किन जैसा लुक हो गया है कलर पे, जैसे ओरिजिनल फेस स्किन होती है, जैसे और कपिल सर की और उनके वाइफ की उनकी मदर की लग रही है, सेम वैसा लुक आ गया है इनकी स्किन कलर का। अब हम इनके जो फेस पर स्क्रैचेस आए हुए हैं उनको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं, जो मार्क्स आए हुए हैं एक्स्ट्रा जो पिक क्लिक करते टाइम आ जाते हैं ऐसे मार्क्स को रिमूव कर लेते हैं। और ये आप सिलेक्ट करके डायरेक्ट फिल कर सकते हैं बैक क्लिक करके, उधर से ऑटोमेटिक हो जाता है। ये बेस्ट फीचर है फोटोशॉप का। ये नेक पे इसलिए इशू आ रहा है बिकॉज नेक की ओपेसिटी कम है, इसलिए तो हमें अभी नेक पे कलराइज करना पड़ेगा, इसको कलर फिल करना पड़ेगा। इधर रेज करते हैं थोड़ा सा, यस नाउ इट्स गुड। सो गाइज ये हमारा 50% वर्क फाइनल हो चुका है। अब नाउ हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे एंड हम इसको इसको विंडोज पे सेव करने के बाद फोन में ओपन करेंगे। एंड फोन में ओपन करने के बाद गाइस हम फेस ऐप का यूज करेंगे इनको ओल्ड बनाने के लिए एंड रेमिनी ऐप का यूज करेंगे फोटो को क्लियर करने के लिए। इन दोनों का यूज करने के बाद फोटो कुछ बहुत बेटर, बहुत अच्छी क्वालिटी का कुछ इस टाइप का दिखेगा। आप देख सकते हैं क्वालिटी इंक्रीज हो गई है एंड फेस ओल्ड हो चुका है। फेस ऐप फॉर ओल्ड फेस एंड रेमिनी ऐप फॉर क्लियरिटी। अब हमने इस फोटो को अपना ओपन कर लिया है PSD में एंड उसको कट कर लिया है। नाउ हम इस पे स्पेशल इफेक्ट्स यूज करेंगे टू मेक इट मोर ओरिजिनल। ये स्पेशल इफेक्ट्स हैं, स्मज पेंट का एक्शन टूल है और ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको तीनों टूल मिल जाएंगे इसमें, स्मज पेंट में, ऑयल पेंटिंग, वेक्टर एंड स्मज। ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। ये सब डिलीट करने के बाद हम सिर्फ इतना ही रखेंगे एंड आप देख सकते हैं कि क्वालिटी और इंक्रीज हो चुकी है। सो ये जो फाइनल इफेक्ट्स हैं ये हम तीनों अप्लाई करते हैं एंड ये अप्लाई करने के बाद हमारे जो प्रोजेक्ट होता है इसकी क्वालिटी काफ़ी और अच्छी हो जाती है, काफ़ी बेटर इंक्रीज हो जाती है। अभी इसके बाद हम हैंड से स्मज भी करेंगे जो हमारा टूल है। कलर ग्रेडिंग देखिए कितनी अच्छी हो गई है। अभी हम इन सब कॉपीज को मूव करेंगे अपने ओरिजिनल PSD में एंड इसको परफेक्टली सेट कर लेते हैं। यस नाउ इट्स परफेक्टली सेट। अब जो हमारा ओरिजिनल था हमने उसकी कॉपी बनाई है, इन सबको एक ग्रुप में लगा देते हैं एंड जो ये कर्व्स वाली लेयर है हमारी, हम ये कर्व वाली लेयर को इरेज करेंगे। इसमें से आईज, नोज, हैंड्स ये सब हमें इरेज करने होते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा स्मज हो जाते हैं तो ये बॉडी और क्लोथ्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने वियर्ड लग रहे हैं, तो हमें इनकी बाउंड्रीज और ये सब इरेज करना होता है। मैंडेटरी है कि आईज, लिप्स और नोज मैंडेटरी रिमूव करना ही होता है।
फादर में हैं, फादर को मैच कर लेते हैं। तो ये हो चुका है गाइस, अब इसको कॉपी करेंगे और सेम शार्पन लेयर से भी हम ऐसे करके उसको कॉपी कर लेंगे। एंड नाउ हमने ओरिजिनल इमेज की कॉपी बना ली है एंड अब इनकी ओपेसिटी सेट कर लेते हैं। कर्व्स एंड शार्पन इमेज की 30-35 रहती है एंड बाकी सब क्या आप देख सकते हैं। अब हम इसको जो हमने ग्रुप बना के फाइनल लेयर लगाई है हम उसको स्मज करेंगे स्मज टूल से। सो आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ 22 है एंड साइज 31 है एंड फेस स्मूथ होने लग रहा है, फेस हम स्मूथ कर रहे हैं स्मज टूल से। लिप्स पे भी करेंगे, नोज पे भी करेंगे, आईज पे भी करेंगे, बट आईज एंड लिप्स एंड नोज पे बहुत धीरे करना है, ज़्यादा नहीं करना है बिकॉज इनकी शेप बिगड़ सकती है। लेकिन जो ऑल फेशियल्स होते हैं और हैंड्स होते हैं इन पे हम काफ़ी फास्ट और अपने डायरेक्शन में कर सकते हैं। फाइनली सब पे स्मज टूल हो चुका है एंड नाउ हम अब जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी एंड जो ही हमने वाली एडिट करी है इन दोनों को आप चेक कर सकते हैं दोनों की क्वालिटी। एंड हम नाउ इसकी ओपेसिटी एडजस्ट करेंगे 30% पे एंड नाउ मर्ज कर देंगे ग्रुप बना के। नाउ हम इसमें कलर ग्रेडिंग एंड थोड़ा ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करेंगे एंड इसको इसके बैकग्राउंड को और ज़्यादा बेटर बनाएंगे। अब इनके हेयर साइज सब में कलर ग्रेडिंग करेंगे, सब में अच्छा सा थोड़ा लुक देंगे, ब्लैक लाइट थोड़ा डार्क बनाएंगे। ये अभी नॉर्मल ब्रश हो रहा है तो थोड़ा वियर्ड लगेगा पर जब हम इसको सॉफ्ट लाइट में करेंगे कन्वर्ट तो ये काफी अच्छा लुक देगा। सी जहाँ जहाँ से लाइट हेयर्स हैं वहाँ से डार्क कर देते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लुक देता है।
अब हम एक फाइनल लेयर बना लेते हैं एंड नाउ हम इसको इरेज करेंगे, इनकी क्लियर बाउंड्री बनाएंगे। इरेजर टूल की हेल्प से हम बाउंड्री क्लियर कर लेते हैं। अपने ये अब सब इरेज हो चुका है, अपनी जो बाउंड्री है वो क्लियर हो चुकी है। अब हम इसका बैकग्राउंड एडजस्ट करेंगे, बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क बनाएंगे जिससे कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो थोड़ा बाहर हमें अच्छे से दिखे, क्लियर दिखे। अब हम अब अपने जो बैकग्राउंड, अपना जो हमने मेन इमेज की बाउंड्री क्लियर की थी उनको थोड़ा ब्लर कर देंगे, थोड़ा स्मज टूल से उनको स्मूथ कर देंगे जिससे कि वो थोड़ा मैचिंग लगे, से अलग ना लगे कि अलग कट करके लगाया हुआ। इधर से लग रहा है कि कट करके लगाया है लेकिन जब हम स्मच टूल से स्मूथ एंड ब्लर कर रहे हैं तो काफी ऐसा लग रहा है कि पिक्चर के साथ मैच हो चुका है। नाउ अभी इसको थोड़ा ब्लर कर देते हैं बैकग्राउंड को, थोड़ा डीएसएलआर वाला लुक आना चाहिए। एंड नाउ हम इसमें नॉइज ऐड करेंगे बिकॉज पिक्चर काफी ब्लर थी जब हमने डाउनलोड करी थी, तो नॉइज इफेक्ट थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक दे देता है, थोड़ा क्रिस्पी लुक दे देता है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं। यस नाउ इट्स फाइनल and now let's finalize it, adding saturation, contrast, brightness. I think father के face पे light आ रही है। I think father के face पे light बनानी चाहिए हमें, थोड़ा dark लग रहा है जिधर से light आ रही है। Yes. Maybe it's perfect. Let's see. Yes, now it's perfect. And let's finalize it. ये हमारी पिक्चर फाइनलाइज हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है ओरिजिनल पिक्चर में एंड इसमें, कितने क्लियर बनी है। एंड थैंक यू।